हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग फ्रेंड्स? मैं हूँ एनी और आज मैं आप लोग को लेके आ रही हूँ बर्बन बागान, जो आप लोग देख सकते हैं। दूर दूर तक तो आपको चाय का बागान ही देखने को मिलेगा। ये अपर असम है। अपर असम में आपने आप लोग को देखने को मिलेगा चाय का बागान, जो काफ़ी खूबसूरत जगह है। और फ्रेंड्स, इस तरफ देखिए, इस तरफ फैक्ट्री को जाते हैं। आज मैं मॉर्निंग वॉक को आई हूँ, इसीलिए ज़्यादा दूर मैं नहीं जाऊँगी। बस आपको गेट तक दिखा देती हूँ। यहाँ से फैक्ट्री को जाता है और जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ अंदर में क्वार्टर भी है, काफ़ी खूबसूरत है। और दूर दूर तक तो आप लोगों को दिखाई देगा ये चाय का बागान, जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये जो बाहर लोग हैं, ये लोग जा रहे हैं अपने काम पे। अभी मतलब प्लॉकिंग करने के लिए जा रहे हैं ना। चाय का पत्ता का जो है वो प्लॉकिंग करने का टाइम हो गया है, इसलिए बाहर लोग जा रहे हैं। तो बाहर हाय कह दियो। फ्रेंड्स, ये जो बर्मन बागान है, ये बागान के साथ मेरा एक रिश्ता है। मैं जब छोटी थी तब मेरा एक फ्रेंड थी, मतलब अभी भी है, उसका नाम अनीता है। तो उसका घर यहीं पे था। तो जब हम लोग छोटे थे तो मैं उसके घर पे काफ़ी आती जाती रहती थी। तो अच्छा सा एक अलग सा एक रिश्ता है मेरे ये बागान के साथ। जैसे कि मैं अपर असम आई हूँ, यहाँ पे ज़्यादा खेती होता है वो चाय बागान का होता है, चाय पत्ती का होता है। जैसे कि आप लोअर असम में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर ये चाय जो पत्ती है वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ का जो बाइडो लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, बाइडो लोग अपने काम पे जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये चाय पत्ती का जो खेती होता है यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है और यहाँ का जो हवा है और यहाँ का जो सन जो टाइमिंग, इसको धूप और छाव दोनों मिलना चाहिए। और यहाँ पे एक्चुअली सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा होता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ये अच्छी तरह से इसको पहचानता है इसलिए। और आप अगर लोअर असम में इसका खेती करना चाहते हैं तो वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है शायद इसके लिए, और यहाँ का जो प्लॉकिंग टाइम है जो इसको निकालते हैं वो टाइम होता है आपका अक्टूबर तक होता है। अक्टूबर के बाद इसको जो ट्रिमिंग होता है ट्रिमिंग करते हैं, क्योंकि अक्टूबर के बाद ये जो प्लॉकिंग का टाइमिंग होता है वो नहीं होता है। इसके बाद जो निकालता है ये पत्तियाँ वो बंद कर देता है। उसके बाद अक्टूबर के बाद इसको जितना भी है वो ट्रिमिंग करते हैं, ताकि नेक्स्ट साल में फिर से वो नया से वो निकाल के आए। और आपको मैं फ्रेंड्स दिखा देती हूँ इस जगह, ये जो पोजीशन, ये तो ये जो है ऊपर का जो बर्ड्स है ये निकालता है, तो नीचे का ये सब नहीं निकालते हैं। अभी ऑलरेडी ये कर चुका है शायद इसलिए। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्लॉकिंग करने के बाद बाहर में जो वैल्यू देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं कितना मिलता है, जहाँ पे अच्छा वैल्यू होता है वहाँ पे फैक्ट्री में वैल्यूएशन के बाद फैक्ट्री में जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाया है फैक्ट्री, बैक साइड में ही फैक्ट्री है। बाइडो कुछ कैसे बागान कैसे ए बाइडो अपना साइड है, बाइडो हाय कह दियो, हाय कह दियो, हाय बाइडो हाय बोल रहे हैं। बाइडो लोग अभी फैक्ट्री जा रहे हैं ना, बाइडो फैक्ट्री जा रहे हैं, उन लोग का काफ़ी काम है। और भी काफ़ी बाइडो आ रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बाइडो लोग आ रहे हैं। बाइडो हाय कह दियो अपने, हाय ठीक है बाइडो। जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, जितने भी दीदी लोग हैं वो लोग अभी ये जो चाय पत्ती है उसको निकाल रही है। अभी सीजन है, अभी अक्टूबर तक जितना भी हो सके वो लोग भर भर के फैक्ट्री में भेजेंगे इसको प्लॉकिंग करके। बाइडो आप लोग डेली आए हैं ना? हाँ हाँ, बाइडो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग डेली यहाँ पे आते हैं, अपना जो टोकरी है वो फुल करना पड़ेगा उन लोग को। हाँ बाइडो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो उठा रहा है। चलो बाइडो हाय कह दियो, हाय कह दियो, हाय
जैसे कि मैं आप लोग को इंडोर एंड आउटडोर प्लांट के बारे में कैसे ख्याल रखना है, कैसे केयर लेना है, आप लोग को मैं इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। सेम उसी तरह ये जो चाय के बागान है उसको और भी ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। इसको टाइमली प्रूनिंग करना, कटिंग करना, इसका साफ़ सफाई रखना, टाइमली इसको फर्टिलाइज करना, सब इसको काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। और दुख की बात फ्रेंड्स यही है, हम लोग का असम में सबसे ज़्यादा खेती होता है ये चाय की, बट हम लोग को ही ये मतलब कंज्यूम करने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाहर में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि बाहर में जो इसका वैल्यूएशन होता है वो ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू असम। सो इसलिए हम लोग यहाँ पे रहते हुए भी हम लोग का यहाँ पे इसका जो चाय खेती का जो यहाँ पे ही होता है, बट हम लोग को ज़्यादा ये यूज़ करने नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है वो बाहर में ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय किया, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी हो गया और यहाँ पे हम लोग काफ़ी इंजॉय किया। इतनी सुंदर नज़ारा है, इतनी सुंदर यहाँ पे फ्रेश एयर है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे गुवाहाटी में रहते हैं तो काफ़ी पोल्यूशन होता है, यहाँ पे काफ़ी पोल्यूशन फ्री है। बहुत इंजॉय किया और नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी फिर आऊँगी। अभी काफ़ी थक गई हूँ तो चले घर चलते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपके पास पहले आए। तो स्टे सेफ, बाय बाय।